अजमेर नगर निगम के वार्ड 41 में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचने की शिकायत कांग्रेस नेता सुनील धानका ने प्रशासन और मंत्रियों से की है, जिसके बाद प्रशासन ने वार्ड की सुध ली है और 274 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की है। कांग्रेस नेता ने बताया कि वार्ड 41 में दिहाड़ी मजदूर, बिल्डिंग मजदूर और निर्धन परिवार रहते हैं, लेकिन राजनीतिक तुष्टिकरण के कारण उनके वार्ड में लॉकडाउन के 50 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने राहत सामग्री का वितरण नहीं किया। ऐसे में जिला कलेक्टर और प्रभारी मंत्री को शिकायत की गई, जिसके बाद वार्ड की सुध ली गई। ये वार्ड नंबर 41 है, मदार का क्षेत्र है। पूरे 60 वार्डों में सामग्री बंटने का जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब का आदेश था, उसमें किसी कारणवश या भूलवश ये वार्ड नंबर 41 रह गया था, जिसका ज्ञापन मैंने एडीएम प्रताप को दिया था। उसकी तहत कार्रवाई की गई और जांच निकाली गई, तो इस वार्ड में वाकई में सामान नहीं पहुँचा था, जिसके तहत मुझे आज डीएसओ साहब ने बुलवाया और डीएसओ साहब ने आज मुझे 274 नाम थे इस वार्ड नंबर 41 में, 8 बीएलओ है, 8 बीएलओ के 274 नाम थे, जिनके 274 5 किलो के आटे इकट्ठे मुझे आज दिए गए हैं और मेरे साथ में बीएलओ भी मौजूद थे। 3 बीएलओ गए थे मेरे साथ में, मुकेश माथुर जी थे, सुनीता जी थी और एक और मैडम थी। तो 274 आटे इकट्ठे दिए, लेकिन शहर में जो किट बटे हैं, जैसे दाल, तेल, वो इस वार्ड में नहीं आए हैं। इस वार्ड में